लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खूबलाल महावीर महाविद्यालय बेलारी असरगंज में झंडोत्तोलन करने को लेकर भूमिदाता की पत्नी एवं कॉलेज के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार KM कॉलेज के प्रांगण में बीते सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वर्गीय महावीर साह की धर्म पत्नी मालती देवी झंडोत्तोलन करने पहुंची थी, लेकिन कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल साह के द्वारा मालती देवी को झटका देकर हटा दिया गया एवं स्वयं झंडोत्तोलन कर दिया। झंडोत्तोलन के उपरांत मालती देवी के समर्थक और लखनलाल साह एवं उनके समर्थक के बीच तूतू मैमे के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। मामला बढ़ जाने पर झंडोत्तोलन के समय महाविद्यालय में उपस्थित अतिथियों के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया गया। मामले को लेकर जमींदाता स्वर्गीय महावीर साह की पत्नी 75 वर्षीय मालती देवी ने बताया कि हमारे एवं ससुर खूबलाल साह के द्वारा कॉलेज निर्माण के लिए 7.5 एकड़ जमीन दान में दी गई थी। हर वर्ष 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के अवसर पर बंगाल से झंडा फहराने हम आते हैं। झंडा फहराने के दौरान अध्यक्ष राम लखन साह एवं उनके पुत्र गोल्डन कुमार ने मुझे धक्का मुक्की कर जबरदस्ती झंडोत्तोलन कर दिया। कॉलेज के लिपिक प्रमोद कुमार साह के द्वारा भी अध्यक्ष के कार्य का समर्थन किया गया। इस संबंध में कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल साह ने बताया कि कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते झंडोत्तोलन किया। असरगंज मुंगेर राजेश चौधरी की रिपोर्ट। इनको चचा लगता है। क्या नाम बोलिए, नाम बोलिए। लखन साह, वो बदमाशी है। वो आया आगे झंडा, आगे बच्चर भी हम आए ना, वो झंडा खींच लिया। आप काहे खींचेगा, जब हम मेन मालिक हैं तो आपको बोलेंगे तो आप खींचिएगा, और नहीं बोलेंगे तो आप काहे खींच लिए। आपरी भी आया तो तरफ हम ऐसे खींचने किए उतरा कि हम खींचे जल्दी से बोले, मेरा भतीजा हमारा खींच लिया। आपने हमारा आदमी बनाया था, मीन मालिक हुआ। अच्छा, स्कूल वो किसका है? स्कूल किसका है? वो स्कूल बोले खूबलाल सो महावीर सो का। हाँ, तो हम लोग ससुर बनाया और स्कूल खोला, दान पढ़ेगा आदमी, दान काहे देंगे, अपना हेज में रखा। हमारा आदमी का और ससुर का मूर्ति भी बना हुआ कॉलेज में, बनाया बढ़िया बात है। सारा कॉलेज हमारा है, कोई मालिक बनेगा तो हम बनने देंगे। अरे मना हमारा घर के ममेरा फुपरा नहीं होता है, ममेरा फुपरा देवर का बेटा हुआ, तो उस सब चीज में अगलो डांड बन जाता है, तो काहे बनेगा हमारा जिंदा में। कौन खूबलाल साहब का मतलब भैगना और का बेटा कौन है? हमारा अपना ससुर हुआ, हमारा आदमी पति का बाप हुआ। क्या नाम है आपका? किसका? आपका मालती देवी। क्या KM कॉलेज जो है खूबलाल महावीर के नाम से है, उस महावीर साहब का पत्नी हुए मालती देवी, जो कि बंगाल से हर एक साल झंडा तोलन में आते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त। अगले बार 26 जनवरी में आए झंडा तोलन के लिए, जो अध्यक्ष हुए लखन प्रसाद साहब, वो मालती देवी का कोई रिलेटिव नहीं है, और उस पर उसको झंडा तोलन नहीं करने दिया गया। तो बोला कि आप कोई भी नहीं है। इस बार 15 अगस्त में आए झंडा तोलन की बात है, तो अध्यक्ष महोदय जो मालती देवी को धक्का दिए झंडा तोलन के लिए, हम आगे बढ़े तो मालती देवी को धक्का दिए वो, तो मालती देवी ने बोला कि राजे तुम झंडा खींचो, हम गिर जाएंगे। हम झंडा खींचे तो उसमें गाली गलौज धक्का मुक्की होने लगे। इस तरह का अद्व्यवहार, और राजपाल के नाम से 7.5 एकड़ खूबलाल महावीर जो है डोनेट किए हैं जमीन को। उनका दो पत्नी थे, एक डेड कर गया और दूसरी जीवित है, जिसको बाल बच्चा एक भी नहीं है। हम मालती देवी का भतीजा हुए, जो कि हम बिहार में रहते हैं जमालपुर में, जो बंगाल से आते हैं, हमें इसके साथ चलना पड़ता, इसीलिए कि इस तरह का अद्व्यवहार हुआ। और मीडिया वाले साथ ही धक्का मुक्की किया जा रहा है, गाली गलौज का प्रयोग किया गया। कॉलेज होता है शिक्षा के लिए, लेकिन यहाँ जो है गाली का उपयोग ज़्यादा होता है। वो अध्यक्ष हुए लखन प्रसाद साहब, उसका बेटा थे गोल्डन कुमार, जबकि अध्यक्ष का 3 साल का चक्कर होता है, 3 साल उसका पूरा खत्म हो गया चक्कर के अनुसार, फिर मालती देवी अध्यक्ष की कुर्सी पाएंगे। तो इस बार तो अध्यक्ष के फराने का नहीं है, जब भी फरा सकते हैं सचिव 15 अगस्त को, सचिव नहीं फराए तो मालती देवी फराते हैं। जब मालिक ऑलरेडी जिंदा है तो फराने का अधिकार तो है, तो आज के टाइम में कौन डोनेट करता है जमीन को इतना इतना, जब सम्मान ही नहीं रहेगा कोई भी डोनेट करेगा जमीन को। खूबलाल मेरे फुप्पा के पापा जी हुए, मेरे फुप्पा हुए महावीर प्रसाद साहब,
जिसकी पत्नी है मालती देवी जो जीवित है, हम उनका भतीजा हुए, उनका छोटा वाला भाई का बेटा हुए। राजेश कुमार कहाँ से रहते हैं? हम जमालपुर रहते हैं, असरगंज। मेरा डेली आना जाना है।